ओके इधर स्टार्ट करते हैं। इधर देखें आप लोग, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ रिजल्ट कार्ड। ओके इसको मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ इतने कॉलम्स में। डन रिजल्ट कार्ड। इसके नीचे हम यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, परसेंटेज, पास या फेल। ओके ये बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 1, 2 और यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं इनको, ऑटोमेटिकली 10 स्टूडेंट्स हो गए। इस बॉक्स को मैं छोटा कर लेता हूँ, ये स्टूडेंट नेम का है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपका मार्क्स का है, ये आपका परसेंटेज है और ये हमारा पास या फेल है। डन बात यहाँ तक, ये पास फेल हमारा यहाँ तक आ रहा है तो इसको और जरा उसको रैप मर्ज कर देते हैं ताकि आगे तक आए। इसको मिड में और ये भी मिड में हो गया। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 20 और होल्ड कर देते। यहाँ तो कोई मसला आप लोगों को क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, क्योंकि बॉर्डर्स नजर नहीं आते, और इसको सेंटर लाइन कर देते हैं ताकि सारा कुछ आपको सेंटर में नजर आए। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर दिया और इसका साइज मैंने 14 कर दिया। कर दिए स्टूडेंट नेम उमर, यहाँ तक ये सारे मैंने नाम लिख दिए। इनके हम मार्क्स एंटर कर देते हैं। ओके मार्क्स में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, क्लियर। ये मैंने मार्क्स एंटर कर दिए। अब परसेंटेज किस तरह निकलेगी इनकी, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पे लिखोगे इज इक्वल टू इस सेल नंबर को डिवाइड करोगे टोटल मार्क्स के साथ। टोटल मार्क्स मेरे यहां पे 100 है, क्लियर बात यहां तक। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, के आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा तो आपका ऑटोमेटिकली क्या कह रहा है, कितने परसेंटेज आपके आई 58%। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने हर किसी का फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख दिया 58%, 63। अब इसका यहाँ पे इसने क्या लिखा इज इक्वल टू C6 डिवाइडेड बाय 100। फिर बाद यहाँ तक मार्क्स चेंज कर देता हूँ, मार्क्स में यहाँ पे 80 कर देता हूँ ताकि आपको बेटर हो। ये मार्क्स मैंने 80 कर दिए। क्लियर बात यहाँ तक, ओके। अच्छा अब ये पास और फेल किस रहे हैं, मुझे बार बार खुद लिखना पड़ रहा है। मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे कि ये लड़का पास है, जिसकी 50% ऊपर है वो क्या है, पास है, ठीक है। मुझे इसके साथ भी क्या लिखना पड़ रहा है, पास, क्योंकि इसके भी क्या है 50% ऊपर है, तो मैं इसके साथ भी क्या लगा रहा हूँ, पास लगा रहा हूँ। क्लियर बात यहाँ तक, मैं इसके साथ भी क्या लगा रहा हूँ, पास। यहाँ पे 100% के साथ मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मुझे खुद टाइप करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, पास या फेल लिखा हुआ नजर आए। वो किस तरह लिखा नजर आए,
जब आपका यहाँ पे 50% से ऊपर हो तो मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास लिखा हुआ नजर आया, लेकिन जो मार्क्स मेरे 50% से बिलो है वहां पे क्या लिखा है, फेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू व्हाट, बट इफ लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस सेल के साथ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इस सेल पे क्लिक किया, ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर हुए, मेरा D5 इसके साथ लिंक हुआ हुआ है, अगर उसके 50% लगा रहा हूँ, 50% के इक्वल हुआ वैल्यू या 50% से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, कंडीशन लगाइए ग्रेटर हो या तो उसके इक्वल हो, और अगर मैं ये लगा दूंगा लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होगा कि उसके मार्क्स 50 से बिलो हो या 50 के इक्वल हो, मैं इसका नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे कंडीशन उसी लगा रहा हूँ, दोनों सिनेरियो में आपका ठीक है, ये लगा दिया, अगर ग्रेटर है तो क्या करे, अगर ग्रेटर है तो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वन आपकी ट्रू की वैल्यू है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे लिखा है पास, ठीक है, अदरवाइज कोमा लगा के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या लिखा है, फेल, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा, ये मैंने ऊपर कंडीशन लिखी है इफ D5 मेरा इसका एड्रेस बन रहा है इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, अगर इसकी वैल्यू 50% से ग्रेटर है तो क्या लिखा है पास, पहली वाली वैल्यू तब आएगी जब ट्रू होगा और दूसरी वाली वैल्यू कब आएगी जब वो फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, अभी 73% है, 73% इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, अब मैं यही नीचे भी कंडीशन लिखता हूँ सेम टू सेम जो ऊपर लिखी हुई है, एक कॉपी करता हूँ सारी कंडीशन, कॉपी की है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं D5 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सेल नंबर क्या दूंगा मैं, D6 नीचे वाला, ठीक है D6, तो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को कर रहा है, मैं ट्रैक कर देता हूँ, चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक ही स्टूडेंट फेल है, वो कौन सा स्टूडेंट फेल आ रहा है, जो जिसके 36% आ रहा है, शाम इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है, अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, 42 मार्क्स हैं, इसके मार्क्स में कम कर 33 कर देता हूँ, अब इसकी परसेंटेज क्या हो गई, और ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आ गया, मैंने चेंज नहीं किया, अब इसके 58 मार्क्स हैं, इसके मैंने कर दिए 13, ये फेल है, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या लिखा रहा है, क्लियर बात यहां तक, ओके, यहां तक कोई मसला, अगर आपने ये करना आप लोग खुद वन बाय वन खुद ना लिखने बैठ देना वहां पे फेल पास खुद देख देख के, इस तरह की कंडीशन लगानी पड़ती है, एक दफा आपने जस्ट इसमें मेहनत की है उसके बाद आप जस्ट इसमें चेंजिंग कर रहे हो और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, खुद ब खुद चेंजिंग हो रही है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 48, 60% है तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फेल से पास में कन्वर्ट हो गया, क्लियर बात यहाँ तक, ओके, इतने एरिया को मैंने प्रिंट करना है तो मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट एरिया पे, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेट प्रिंट एरिया, ये आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट एरिया यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया, इतना एरिया मेरा पोर्शन क्या होगा, प्रिंट होगा, आपको मैंने बताया था एक्सेल का प्रिंट एरिया बहुत ज्यादा है, तो मैंने यहाँ प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया कि मेरा यहाँ पे कितना प्रिंट एरिया आपने मैंने प्रिंट करना है, यहां तक किसी को मसला, ओके, अच्छा बाकी चीजें क्या हैं वो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, कोई कॉलम इंसर्ट करना हो, पूरी कॉलम सिलेक्ट करना हो, यहां पे क्लिक करो एच पे, पूरा मेरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, 3 पे क्लिक करता हूं तो मेरी पूरी रो सिलेक्ट हो रही है, ओके, अब यहां पे और चीजें देख लेते हैं, ये रैप टेक्स्ट सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ये जीरो इंक्रीज करने के लिए होता है, अगर आप कहते हैं मार्क्स के साथ मेरे नंबर लगाने हैं तो इनके साथ मैं जीरो इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे दिस वन इंक्रीज, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जितने आपने जीरो इंक्रीज करने आप करो ये डिक्रीज करने के लिए, जितने आपने जीरो डिक्रीज करने, क्लियर बात यहाँ तक, और इसकी टाइप इन्होंने ऑटोमेटिकली क्या कर दी है, नंबर कर दिए, क्यों, क्योंकि इसका ही टाइप किया है नंबर, और इसकी टाइप किया हुई भी परसेंटेज, क्योंकि हमारी परसेंटेज में, इसकी टाइप हमारी जनरल हुई भी क्योंकि ये हमारा कौन सा आ रहा है, टेक्स्ट में आ रहा है, ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट सब क्या होती है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं,
यहाँ पे बता देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, ये है, मैं परसेंटेज पे लगाना चाहूँ या मार्क्स पे लगाना चाहूँ, दोनों पे डिपेंड आपका करता है। मैं मार्क्स पे लगाना चाह रहा हूँ, कंडीशनल हाईलाइट पे आता हूँ। आपने ग्रेटर देन की कंडीशन लगानी है, लेस देन की लगानी है, बिटवीन की लगानी है, इक्वल टू की लगानी है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स जिसकी भी लगानी है। मैं कह देता हूँ मैंने लेस देन की लगानी है। अब लेस देन की यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि जिसके मार्क्स 50% मैंने पासिंग मार्क्स रखे हुए ना, तो 80 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.5। जिसके मार्क्स 40 बिलो हैं, कितने मार्क्स 40 बिलो हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 40 लगा दिया मैंने। मैं कह देता हूँ जिसके मार्क्स 40 बिलो हैं, क्योंकि लेस देन की मैंने कंडीशन लगाई हुई है, तो उसको किस कौन सा कलर कर दे, येलो कर दे। ओके कर रहा हूँ। अब देखो जिस जिसके मार्क्स 40 बिलो आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है। अब मुझे यहाँ से देख के अंदाजा हो रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट के 40 बिलो हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ 39, ये भी येलो में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ 48, ये वाइट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात यहाँ तक, ये हम यूज करते हैं ताकि आपको हाईलाइट नजर आ रहा है कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट फेल है और कौन कौन से स्टूडेंट मेरे पास हैं। आपने इसके साथ जिसके साथ भी कंडीशन लगानी है आप ये लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ हाईलाइट सेट रूल्स, जहां पे पास लिखा हुआ नजर है आप, या फेल पे लगाना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके साथ फेल लिखा हुआ नजर आया, ये आपने डिपेंड करता है। मैं कह देता हूँ जिसके साथ पास लिखा हुआ नजर आ रहा है उसको ग्रीन कलर दे दो, डन बात यहां तक, गजनफर समझ आ रहे हैं, क्लियर बात यहां तक। उसके अलावा ये टॉप बार्स पे आ जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम। मैं कह रहा हूँ टॉप 10 आइटम्स को का कलर की क्या कर दे, रेड ग्रीन, 10 आइटम्स, मैं 10 आइटम्स नहीं कर देता, मैं कह देता हूँ पहली रिकॉर्ड्स में जो मेरी पहली 5 आइटम्स हैं उनका कलर क्या कर दे, उनका कलर रेड टेक्स्ट कर दे। बस इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे हाईएस्ट 4 हैं उनका कलर क्या कर रहा है, ये रेड कर रहा है। इसमें हाईएस्ट 4 कौन कौन से मेरे, 68, 63, 74 और 68, डन। अब बाकी सारे मेरे बिलो हैं। अब लेट्स सपोज इसको इसके मार्क्स में कर देता हूँ 72, ये हाईएस्ट में आएगा। अब उसको मैंने कितने कहा था, टॉप 4 कहा था। अब अभी भी देख लो कौन कौन से 4 हुए हुए, ये 4 हुआ हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको नंबर में देता हूँ 69, कौन से वाला ब्लैक में हो जाएगा कन्वर्ट, सबसे नीचे वाला खत्म हो जाएगा, सॉरी 63 वाला भी था। What happened to this? मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, अगेन करते हैं, मैं जरा चेक कर लेता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आके, टॉप बॉटम, टॉप 10, नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं कि आपके ये है। अगर आपने बॉटम 10 निकालने, अगर आप कह रहे थे जिनके नंबर सबसे कम आ रहे हैं, बॉटम 10 जो लास्ट 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनके सबसे कम नंबर आ रहे हैं उनको येलो रेड बॉर्डर कर दें, ठीक है। ओके, ये रेड बॉर्डर का सब मतलब इसका क्या है, रेड बॉर्डर के अलावा भी लगा लेते हैं, बॉटम 10 आइटम्स,
ग्रीन कलर लगा देता हूँ जिनके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, ये वो आपको हाईलाइट कर रहा है कि जिनके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जिसके सबसे हाईएस्ट होंगे उनके मार्क्स का रहा है, जिसके सबसे कम है उनके मार्क्स का रहा है। ये काफ़ी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये अब आप लोग लेना कि डेटा बार्स हैं, डेटा बार्स अगर आपने शो करनी है, आप कह रहे हैं यहाँ पे डेटा बार शो करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब डेटा बार्स पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन से वाला सेलेक्ट करना है ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, कोई सा भी आपने समझ में आपको आ रहा है आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, मैं ये कर देता हूँ। अभी देख लो डेटा बार्स क्या कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है डेटा बार्स क्या कर रहा है, परसेंटेज के मुताबिक कर रहा है। 49 को देखो उसने इतना रखा हुआ है, 60 को इतना रखा हुआ है, 90 ये है, 93 से ज्यादा है, क्लियर। मैं इसको कर देता हूँ 53, यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 42, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ऑटोमेटिकली बार, ये आपके ऑटोमेटिकली बार इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे आपने बार लगाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे और भी काफी सारे हैं, कलर स्केल्स हैं, आपने ये लगाने आइकन सेट हैं, ये लगाने आइकन सेट, ये भी आपको काफी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे दे देगा, क्लियर बात यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक, ओके। अच्छा फॉर्मेट एज टेबल, मैं अब आपको यहाँ पे क्या है कि हमने टेबल की फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है, वो देख लेते हैं। ये हमारा टेबल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक जा रहा है टेबल, फॉर्मेट एज टेबल, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा था, ये काफी सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमने कौन से वाला यूज करना है, हम इसमें से ये वाला यूज कर लेते हैं, दिस वन। तो आपको कह रहा है कि इतना वाला पोर्शन आपका टेबल का है जिसने हाईलाइट किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ इतना ही पोर्शन है, उसने एड्रेस लिखा हुआ है कि A4 से लेके A4 बन रहा है टू E14, मतलब यहाँ तक सारा क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। ये ले जो सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसी स्टाइल में ले आइए, ब्लैक एंड मैंने ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किया हुआ था, क्लियर बात यहाँ तक। इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, इसने 14 किया हुआ है, यहाँ पे 12 कर देते हैं, जस्ट वेट, क्लियर, इसने वही चीज की है। अच्छा ये साइड में जो एरोज आ रहे हैं इनका मतलब क्या है, इन पे डिस्कशन अभी कर लेते हैं, यहाँ तक ही मसला, कोई मसला नहीं। अच्छा इनको ये जो चीजें आ रही ना इनके, इनको हम कहते हैं फिल्टर, फिल्टर से मतलब आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय फिल्टर, फिल्टर करता क्या है, क्या करते हैं फिल्टर, हम ये बेसिकली यूज करते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड में से मैंने कुछ रिकॉर्ड देखने हैं उसको हम यूज करते हैं एज अ फिल्टर, ओके। अब यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं, हो सकते हैं मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हो, अब उसके अंदर मैं फिल्टर कैसे यूज करूंगा, मैं अब यहाँ पे इसको कह देता हूँ उमेर, दो नाम के मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो रिकॉर्ड देखने हैं, स्टूडेंट के नाम देखने जिनका नाम उमेर है। अब अगर आप इधर आते हो, ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, सबके नाम दिखा रहा है जब मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल में से खत्म कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ अब्दुलरहमान का, अहमद का और उमेर का, इनके रिकॉर्ड्स मैंने देखने हैं। अब ओके कर रहा हूँ, इनके रिकॉर्ड दिखा रहा है बस, क्लियर बात यहाँ तक। रिकॉर्ड्स मेरे रिमूव नहीं हुए हैं, रिकॉर्ड मेरे सेव हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले के वक्त किसका रिकॉर्ड दिखाए, जो सा मैं देखना चाह रहा हूँ, डन। और यहाँ पे देख लो इसके साथ ये एरो नजर आ रहा है, उसके साथ कौन सा सिंबल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल चेंज हो गया सिंबल, ये मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसके साथ कौन सा सिंबल नजर आ रहा है, आपने फिल्टराइजेशन की हुई इसके अंदर। मैं इसको अगर सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ कि सारे रिकॉर्ड दिखाए, अब किस तरह का सिंबल आ रहा है, हो गया चेंज। अब आ जाते हैं मार्क्स के अंदर, मैं आपको कह दूं यार मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, अब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, आप कैसे फाइंड कर सकते हो सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्क्स पे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे किस पे क्लिक कर दोगे, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक कर दोगे, अभी आपको टॉप पे किसका मार्क्स दिखा रहा है जो सबसे हाईएस्ट है, वो किसके मार्क्स आ रहे हैं, क्लियर बात यहाँ तक। उसके बाद 72, 68, 68 ये रिकॉर्ड आपके ऊपर नीचे हो गए, डन बात यहाँ तक। अगर मैं कहूँ मैंने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड के सबसे स्मॉलेस्ट मार्क्स किसके आए हैं, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये मुझे बता देगा सबसे कम मार्क्स 29 आए हैं, वो इच्छाम के आए हैं, क्लियर। इसी तरह करके सीरियल नंबर को अगर आपने करना है अरेंज, ये कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, यहाँ तो कोई मसला। इसको हम करते हैं फिल्टराइजेशन, अब अगर आप कहते हो पास और फेल,
यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं पास या फेल, आपको मैं कहता हूँ मुझे बस उन स्टूडेंट के नाम दिखाओ जो जस्ट फेल हुए हैं, जो क्या हुए हैं फेल। अब आपके पास तो 2000 रिकॉर्ड सेव है, आप रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे वो स्टूडेंट के नाम दिखाओ जो जस्ट फेल हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, किसको सिलेक्ट कर दोगे, बस फेल को। आपने फेल को सिलेक्ट किया, इसलिए आपने बता रहे हो कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, बस एक ही स्टूडेंट फेल है और उसका नाम यहाँ पे आ रहा है श्याम। क्लियर बात यहां तक? ओके, बाकी सारे अगर आप देखोगे पास में जाके देखोगे, बाकी सारे रिकॉर्ड में आप क्या आ रहे हैं पास के, बाकी सारे स्टूडेंट क्या हुए यहाँ पे पास हुए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सेल के स्टाइल दिखा रहे हैं, मैं कह रहता हूँ उस्मान का सेल का स्टाइल मैंने इस तरह करना है। ये देखो डिफरेंट डिजाइन दिखा रहा है, आपने आपको आपको इनमें से कौन सा पसंद आता है इनमें से लगा लीजिएगा। ये डिजाइनिंग है कि बैड, गुड, न्यूट्रल, नॉर्मल, ये आपका आ रहा है डबल लाइन वाला, ये आउटपुट के लिए आ रहा है, ये नीचे आपकी देखो डबल लाइन आ रही है, इनमें से कौन सा आपको समझ में आप ये लगा लीजिए। ये देखो यहाँ पे आप चेक करो डबल लाइन आ गई, ये डिजाइनिंग में आ रहा है। ठीक है, ये इंसर्ट क्या है, इंसर्ट का मतलब ये है कि आपको मैं अगर कहता हूँ कि मैंने उस्मान और यासीन के मिड में एक रिकॉर्ड डालना है, अब मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यासीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेवन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे किस पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट पे, एक ऊपर रो बन गई इनके ऊपर। क्लियर? मैंने अगर डिलीट करनी होगी सेवन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे किस पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट पे, मेरी वो रो डिलीट हो गई है। मैंने कॉलम लगाना है स्टूडेंट नेम और मार्क्स के दरमियान, मैंने मार्क्स पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कॉलम बन गया। इस कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखना है, मैं नाम चेंज कर देता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। बाद यहाँ तक क्लियर? इस तरह करके हम रिकॉर्ड्स वगैरह करवा सकते हैं, ये इंसर्ट। अच्छा, फॉर्मेट पे हमारी डिस्कशन लास्ट टाइम भी हुई थी, फॉर्मेट का काम क्या होता है, मैंने पूरी रो सेलेक्ट की और फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रो हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसकी हाइट इसने रखी 15.75, मैंने इंक्रीज करनी, मैंने 25 कर दिया, ये इसकी हाइट बढ़ गई, मैंने इनकी हाइट बढ़ानी है रो की, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ 22, ये देखो इनकी हाइट भी बढ़ गई। क्लियर? फॉर्मेट के अंदर आके कॉलम की विड्थ अगर आपने बढ़ानी है, मैं सी पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसकी मैंने विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ पे क्लिक करो 18.29 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कम करनी है 15 कर देता हूँ, कॉलम कितना हो गया, विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये डिफॉल्ट विड्थ का मतलब है कि जो इसकी डिफॉल्ट विड्थ थी ये वो वाली सेट कर देगा, 8.43 इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है। यहाँ तो की मसला, कोई मसला नहीं। मैं कह रहता हूँ कि मैंने उस्मान वाला रिकॉर्ड हाइड करना है, फॉर्मेट में आओगे यहाँ पे हाइड, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ हाइड रोज, ये देखो मेरा उस्मान वाला रो हाइड हो गया रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको शो नहीं, डिलीट नहीं हुआ है, वो हाइड हुआ है। मैं कह देता हूँ अहमद वाला रिकॉर्ड मैंने हाइड करना है, फॉर्मेट में जाता हूँ, हाइट पे क्लिक करता हूँ, हाइट रोज। क्लियर? मैं कह देता हूँ कि ये मैंने मार्क्स शो नहीं करवाने, इसको हाइट करना है, फॉर्मेट में जाता हूँ, हाइट एंड अनहाइट, हाइट कॉलम, क्योंकि कॉलम है, मेरा कॉलम हाइट हो गया, ये मेरा डिलीट नहीं हो रहे रिकॉर्ड्स। क्लियर बात यहाँ तक? अब अगर आप कहते हो मैंने सारे दोबारा वापस लाने हैं, तो फॉर्मेट में जाओगे अगेन, हाइट एंड अनहाइट में आएंगे, अनहाइट किस पे, यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे, रोज, ये आपकी रोज अनहाइट हो जाएंगी, अनहाइट रोज, अनहाइट कॉलम्स, ये आपके वापस नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आ जाना, देखो ये आपको डबल लाइन नजर आ रही है, इसके बीच में था यहाँ पे डी कॉलम, ये कर देना, और यहाँ पे आपका नजर आ रहा है किसके बीच में रिकॉर्ड था मेरा, सॉरी ये रिकॉर्ड आ गया मेरा। डन यहां तक बात, एक मेरा इसके पीछे नीचे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, दिस वन 4 और 5, ये देखो डबल लाइन नजर आ रही है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस वन। क्लियर? अब देखो, अब आपको नजर आ रहा है इसकी लाइन इक्वली डिवाइड नहीं हुई हुई है, तो मैं अगेन इस रोज को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं रो हाइट दे देता हूँ 19,
ये ऑटोमेटिकली सारी 19 पे इक्वली डिवाइड है, डन। अच्छा ये आउटो सम क्या है, ये फार्मूलेज हैं, इन सब पे हमने डिस्कशन कर ली थी कि आपको मैंने फार्मूलेज करवा दिए थे, ठीक है। ये फिल क्या है, ये हमारा फिल भी यही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो हमने यहाँ पे देखे हैं, एरोस, ये वही फिल है आपका। ये क्लियर से मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे आके क्लियर वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, क्लियर ऑल, तो उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके मैं यहाँ पे आके करता हूँ अहमद पे आके क्लियर फॉर्मेट, तो उसने क्या किया, इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी। फॉर्मेटिंग से मतलब क्या होगा, इसमें मैंने अलाइनमेंट लगाई हुई थी सेंटर की, इसने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। अच्छा इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 30 साइज, इतना आ रहा है इसका नजर आपको, क्लियर। मैं इसको सेल को मैंने सेलेक्ट किया, सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट, इसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कर दिया, और बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज था वो क्या था, 11 था, 11 ही बाय डिफॉल्ट साइज होता है, इसने वही कलर साइज कर दिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22, कलर कर देता हूँ उसका मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब मैं कर देता हूँ कि फॉर्मेटिंग दोबारा क्लियर कर दो, क्लियर फॉर्मेट, तो क्या कर रही है अगेन, मैंने रेड कलर लगाया था, मैंने साइज बड़ा किया, उसने सारा क्या किया, खत्म कर दिया। यहां तो कोई मसला, कोई मसला यहां तक। अच्छा ये सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, ये वही है सॉर्टिंग जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी कि सॉर्टिंग से आपने करना क्या, ये पास और फेल, ये वही सॉर्टिंग से मतलब है जो मैंने यहाँ पे बताया था। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने सॉर्ट करना है, मैंने इसको सॉर्ट करना है, लेकिन इसको सॉर्ट करना है मैंने ABCD के मुताबिक, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सॉर्ट ए टू जेड, देखो मेरे सॉर्ट हो गए नाम से। नंबरिंग में आता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये नंबरिंग है आपकी, देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम में यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, यहाँ तो की मसला। अब यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है अब्दुलरहमान, अहमद, अली, अली, फिजान, श्याम, इसने ABCD के मुताबिक इसको सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट जेड टू ए, अब ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं यासीन वगैरह, इससे सारी बता रहा है, क्लियर। ओके इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें सारी, ये मसला है यहां तक। फाइंड एंड, ये फाइंड एंड सिलेक्ट भी आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है, फाइंड का मतलब ये होता है मैंने पूरी शीट में एक वर्ड ढूंढना है, उमर, मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो उमर पे ले आया, पॉइंट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्ड ढूंढना है यासीन, मैंने फाइंड पे क्लिक किया, ये यासीन पे ले आया। ओके रिप्लेसेस का मतलब क्या होगा, रिप्लेस का मतलब ये होगा कि यासीन वाला वर्ड है इसको रिप्लेस कर दो आयशा से, लेट्स सपोज आयशा, अब ये क्या कर देगा, यासीन से इसने वर्ड किसको रिप्लेस कर दिया, डन।